हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडवेंचर्स। आज हम आरसीसी में प्लान सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लान सेक्शन में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है। तो सबसे पहले देखो, प्लान सेक्शन में पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन की प्लान सेक्शन होते क्या है। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि प्लान सेक्शन को क्यों प्रेफर किया जाता है, प्लान सेक्शन किस तरीके से हम देखते हैं कि वो ज्यादा इकोनॉमिकल है रेक्टेंगुलर सेक्शन से। सेकेंड पॉइंट पढ़ने वाले टाइप ऑफ प्लान सेक्शन की, प्लान सेक्शन कितने टाइप के होते हैं। थर्ड मतलब प्लान सेक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे टी बीम, एल बीम, इन्वर्टेड टी बीम, इन्वर्टेड एल बीम, आई सेक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे। इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ में हम ये बताएंगे कि फ्लेंज विड्थ कितनी, जो टोटल जो विड्थ दी रखती है वी भी होती है, उसमें से कितनी विड्थ हमारे काम की होती है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वन एनालिसिस ऑफ प्लान सेक्शन। एनालिसिस का मतलब क्या होगा, प्लान सेक्शन जो भी जिस भी टाइप का आपके पास प्लान सेक्शन होगा उसके बारे में मोमेंट ऑफ रेसिडेंस की बात करेंगे। नेक्स्ट डिजाइन ऑफ प्लान सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लान सेक्शन को डिजाइन कैसे करना है, मतलब जिसके अंदर हमें एरिया ऑफ स्क्रीन की कैलकुलेशन करनी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इंट्रोडक्शन से, कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में प्लान सेक्शन होता क्या है। तो देखो, जो प्लान सेक्शन होता है ना वो ज्यादा इकोनॉमिकल होता है एज कम्पेयर टू जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है वो, इसीलिए जहां पर भी मोस्ट पॉसिबिलिटी होती है, मतलब जहां पर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं प्लान सेक्शन को या रिप्लेस कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन को किससे प्लान सेक्शन से, तो वहां पर हम ट्राई करेंगे कि प्लान सेक्शन को रिप्लेस कर दें। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं इसकी कि इसके अंदर देखो क्यों प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखना, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका एरिया हम, जिसकी विड्थ बी है और जिसकी डेप्थ क्या, टोटल डेप्थ को हम बी बता रहे हैं। इसमें कुछ एरिया ऑफ स्क्रीन प्रोवाइड है, एएसटी, क्लियर है। अब हम इसको नाम दे देते हैं एएसटी वन, यहां तक क्लियर। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहां पर जो एरिया है इसका टोटल एरिया क्या मान लिया, ए वन, क्लियर है। एरिया ए वन मान लिया, एरिया ए वन मानने के बाद में इसके जो लीवर आर्म आएंगे, लीवर आर्म का मतलब क्या हुआ, इसकी देखो कुछ एक न्यूट्रल एक्सिस एग्जिस्ट करेगी, न्यूट्रल एक्सिस कुछ एग्जिस्ट करेगी, न्यूट्रल एक्सिस कुछ एग्जिस्ट करेगी, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर इसका कंप्रेशन जोन होगा, कंप्रेशन जोन एक रिजल्टेंट फोर्स सी फोर्स एक्ट करेगा, सी वन नाम दे देते हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, टी वन फोर्स नाम दे देते हैं, क्लियर है। तो देखना क्या होगा कि सी वन इक्वल्स टू टी वन फोर्स होता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, लीवर आर्म बोल देते हैं। तो हम इसको लीवर आर्म वन नाम दे देते हैं, यहाँ पर इन दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस को लीवर आर्म वन नाम दे देते हैं। अब देखो हमारे पास कंप्रेशन फोर्स भी आ गया, टेंशन फोर्स भी आ गया, इसकी हेल्प से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाल देंगे, उसको नाम दे देंगे एम आर। अब हम क्या करते हैं, देखना ध्यान से, इसके अंदर जब हमने अजम्पशन पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी ये एक जोन कौन सा है कंप्रेशन, ये जोन कौन सा है टेंशन का, क्लियर है। तो देखना ध्यान से, ये जो कंप्रेशन जोन है, ये जो टेंशन जोन है, टेंशन जोन में क्या बोलते हैं कि कंक्रीट को नेग्लेक्ट किया जाता है, टेंशन जोन में कंक्रीट कोई भी स्ट्रेस कैरी नहीं करती, इसी भी हम टेंशन जोन में कंक्रीट को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि टेंशन जोन की कंक्रीट कोई काम की नहीं है, इसका मतलब हम कंक्रीट को और अमाउंट से रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो कंक्रीट को और सेम इसी तरीके से रिड्यूस करते हैं तो इसके कंप्रेशन जोन का एरिया तो सेम रखते हैं, यहां तक का एरिया सेम है, मतलब ये भी विड्थ कितनी है, बी विड्थ है, और ये जो बी विड्थ है देखना चाहते हैं, अब इसके अंदर कुछ एरिया और कम कर दिया हमने, कुछ एरिया और कम कर दिया, तो हमारे पास जो बन के आएगा कुछ ऐसा सेक्शन बन के आएगा, क्लियर है। तो यहां पर जो एरिया सीली प्रोवाइड है, एएसटी प्रोवाइड है, तो मतलब यहां से जो फोर्स बनेगा वो टेंशन फोर्स जो टी टू है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी वन फोर्स के बराबर। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं टी वन इज इक्वल टू टी टू। अब बात करते हैं कंप्रेशन जोन की, तो देखो ध्यान से, लीवर आर्म दोनों मतलब न्यूट्रल एक्सिस है वो दोनों की सेम प्लेस पर है, तो इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस सेम प्लेस पर है, मतलब ये वाली जो डेप्थ होगी वो भी इसकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट मींस इन दोनों कंप्रेशन जोन का फोर्स भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कंप्रेशन जोन का दोनों का फोर्स सेम हो जाएगा, इसका मतलब सी वन इज इक्वल टू सी टू हो जाएगा। मतलब यहां पर जो कंप्रेशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो मान लिया हमने एक सी टू फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ पर सी वन इज इक्वल टू सी टू हो गया, टी वन इज इक्वल टू टी टू हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको कंपेयर करोगे, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ए वन को यहाँ लिख रहा हूँ, कंपेयर करना है हमें रिजल्ट को, तो देखना ध्यान से, अगर मैं ए टू की बात करूँ, ये जो एरिया है ए टू टोटल एरिया वो क्या है, ए वन एरिया बड़ा है एज कम्पेयर टू ए टू, बट
देखो ध्यान से, दोनों पोर सेम प्लेस पर एक्ट करें, दैट मीन्स जो लीवर आर्म एक्ट करेगी, जो लीवर आर्म एक्ट करेगी मतलब लीवर आर्म दोनों पोर्स के बीच की रिजल्टेंट फोर्स के बीच की डिस्टेंस होगी, तो जो फोर्स एक्ट करेगा लीवर आर्म तो एक्ट करेगी, इसका मतलब लीवर आर्म दोनों जगह पे फोर्स दोनों सेम है, सेम जगह पर एक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब लीवर आर्म दोनों केस में क्या होगी, बराबर होगी। अब देखो ध्यान से, दोनों फोर्स बराबर है, सीवन फोर्स देखो ध्यान से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू लीवर आर्म। तो देखो ध्यान से, इस केस में लीवर आर्म भी सेम है, फोर्स भी सेम है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का अमाउंट भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब एम आर टू सेम अमाउंट है मोमेंट रेजिस्ट करे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखना ध्यान से, हम क्या करेंगे कि जो एरिया ए टू है वो क्या है, ए वन से कम है, फिर भी सेम अमाउंट है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेम अमाउंट से मोमेंट को क्या करता है, रजिस्टर। क्लियर है यहां तक? अब देखना ध्यान से, इसी एरिया के इक्वल हम एक ए3 एरिया लेते हैं, इसका मतलब ये एरिया मच इकोनॉमिकल एरिया होगा, मच इकोनॉमिकल एरिया होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखना ए2 इक्वल्स टू ए3 एरिया हमने लिया, तो ये मच इकोनॉमिकल एरिया हो गया, मतलब सेम एरिया पर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, और देखो ए3 इकोनॉमिकल एरिया हो गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे कि सेम एरिया अमाउंट, टोटल जो एरिया है उसका अमाउंट तो सेम रखेंगे, बट हम क्या करेंगे कुछ थोड़ा सा चेंजेस करते हैं डायग्राम में। हम क्या करते हैं, इसको कुछ ऐसा सेक्शन बना देते हैं, इस तरीके से सेक्शन बनाएंगे तो कुछ ऐसा एक प्लेन सेक्शन बन के आएगा, इसमें जो ये वाला पार्ट होगा ये किसकी तरह एक्ट करेगा, प्लेन सेक्शन की तरह, और ये वाला पार्ट किसकी तरह एक्ट करेगा, वेब और रिब की तरह, या वेब बोल दो या रिब बोल दो, इसकी तरह एक्ट करेगा। अब देखो ये जो विड्थ होगी, ये विड्थ ऑफ प्लेन होगी, इसको हम बी एफ से दिखा देते हैं। किया जाता है तो उसमें कुछ
खास बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखते हैं। वो खास बातें कौन सी होगी कि प्लेन सेक्शन में हमेशा मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो गया कि प्लेन सेक्शन जब भी बनाओगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया कि जो बीम और मतलब बीम और जो स्लैब का पार्ट है वो एक साथ कास्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। देखना ध्यान से, उससे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा रहे हैं, सेकेंड हेडिंग टाइप ऑफ प्लेन सेक्शन। इसका मतलब तो क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हो गया, मतलब प्लेन सेक्शन किसको कहेंगे, प्लेन सेक्शन किस टाइप के सेक्शन को कहेंगे, कि एक कोई भी सेक्शन है उसको प्लेन सेक्शन कब कंसिडर किया जाएगा, जब प्लैंक और वेब के बीच में रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो। मतलब ए सेक्शन इज considered and considered as length if there is no relative movement between length and web. length और web के बीच में कोई भी relative movement नहीं होना चाहिए। तो देखो इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूं कि प्लेन और वेब के बीच में रिलेटिव मूवमेंट का मतलब क्या है, डेफिनेशन का मतलब क्या है। दो डायग्राम कंसीडर करेंगे, एक बार तो हम दोनों को अलग अलग कंस्ट्रक्शन मानेंगे और एक बार दोनों का एक साथ कंस्ट्रक्शन मानेंगे। ये आपके पास कुछ एक टाइप का सेक्शन था, सेकेंडरी सेक्शन। सेकेंडरी सेक्शन कुछ ऐसा सेक्शन था, यहाँ पर और भी डायग्राम बनेंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखना ध्यान से, फर्स्ट हम इसकी बात करेंगे। ये सेक्शन क्या है, ये अलग कास्ट किया गया, ये अलग कास्ट किया गया। दोनों के बीच में क्या होगा, मूवमेंट हो सकता है, दोनों के बीच में मूवमेंट क्या है, पॉसिबल है। तो इसका मतलब जब मैं इसका स्ट्रेट डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे पास स्ट्रेट डायग्राम इसका क्या बन जाएगा, इसका कुछ ऐसा स्ट्रेट डायग्राम बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों सेक्शन की अपनी अलग अलग न्यूट्रल एक्सिस होगी। जैसे सोम में हम पढ़ते भी हैं इन सेक्शंस को, दोनों को क्या किया गया है, जॉइंट किया गया है, दोनों को क्या किया गया, एक के ऊपर एक को रखा गया है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बनाऊं, इसका डायग्राम बनाऊं, स्ट्रेन डायग्राम, तो इसका स्ट्रेन डायग्राम क्या बन जाएगा, इसका कुछ स्ट्रेन डायग्राम ऐसा बन जाएगा। यहां तक क्लियर। ये जो स्ट्रेन डायग्राम है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मूवमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड इन प्लैंक सेक्शन। हम यहां पर लिख सकते हैं नो प्लैंक सेक्शन, क्यों, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन फ्लैंज एंड फ्लैंज और वेब के बीच में क्या है, रिलेटिव मूवमेंट है। जबकि इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में क्या होगा, जैसे ये रेनफोर्समेंट है, ये एंकर रेनफोर्समेंट है, होगा क्या कि जो रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे वो क्या करेंगे, एंकर ये जो शियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करोगे, ये इसको एक यूनिट सेक्शन की तरह दिखाएगा। मतलब दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज कंसिडर्ड एज प्लेन सेक्शन बिकॉज ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। मतलब इसको किस वजह से करेंगे, बिकॉज ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। एक मिनट, इसको यहां पर देखना, इसका स्टेटमेंट यहां लिख रहा हूं, बिकॉज ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसका जब स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रेन डायग्राम बन के आएगा वो कंप्लीट स्ट्रेन डायग्राम बन के आएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा, यहां पर इसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या आएगी, दोनों की कंबाइंड न्यूट्रल एक्सिस कंसिडर की जाएगी। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज कंसिडर्ड इन फ्लैंज सेक्शन। मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब ये जो फ्लैंज का पार्ट है और ये जो वेब का पार्ट है, दोनों को एक साथ कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, तब वो सेक्शन को क्या कहेंगे, फ्लैंज सेक्शन कहेंगे। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितने टाइप के फ्लैंज सेक्शन होते हैं। देखना, इसके अंदर टी सेक्शन भी होता है, एल सेक्शन भी होता है, क्लियर है, और आई सेक्शन भी होता है, इन
इन्वर्टेड टी भी होता है, इन्वर्टेड एल भी होता है, और हम एक फोर्थ बीम की बात और करेंगे, मतलब फोर्थ के अंदर जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो देखो छोटे छोटे डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए कैसा होता है, देखना ध्यान से। ये एक टाइप की टी बीम है, ये एक टाइप की टी बीम है, ये आपका क्या हो गया डीएसटी प्रोवाइड हो गया एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि जो टीवी में नॉर्मली उसके अंदर न्यूट्रलाइसिस कहीं भी लाई कर सकती है, मैं मान लेता हूँ यहाँ तक न्यूट्रलाइसिस लाई कर, तो न्यूट्रलाइसिस यहाँ तक लाई करें, इसका मतलब इससे ऊपर का जोन ये वाला जो जोन होगा ये कौन सा जोन होगा, कंप्रेशन जोन होगा, क्लियर है। तो मतलब ये जोन कंप्रेशन का हो गया, जोन टेंशन का हो गया, टेंशन में हमेशा हम क्या प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करेंगे। अब अगर यही हम एल सेक्शन की बात करते हैं तो एल सेक्शन कुछ कैसा बन गया, एल सेक्शन कुछ ऐसा बन गया जहां पर इसमें भी न्यूट्रलिटी सेम मान लेते हैं, ये क्या हो गया एरिया ऑफ स्टील का पार्ट, तो टेंशन जोन ये इसमें भी टेंशन जोन आपने क्या माना, यही माना है ड्यू टू सेगिंग मोमेंट की बात कर रहे हैं, तो देखना ध्यान से ये वाला कौन सा जोन हो गया कंप्रेशन जोन, ये वाला कौन सा जोन होगा टेंशन जोन, और टेंशन जोन में क्या करते हैं हमेशा एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड वन अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इन्वर्टेड सेक्शन की बात कर सकते हैं, उससे पहले हम बात करते हैं आई सेक्शन की, तो देखना आई सेक्शन के बारे में इफेक्टिव लैंडिंग स्पीड की, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।